morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today, students, आज का हमारा chapter है chapter 3, numbers notation. Okay, क्या है हमारा numbers notation? Numbers notation. आज का हमारा chapter है numbers notation. Numbers को कैसे set करते हैं? तो सबसे पहले ये chapter लिख करोगे आप तो page number 21. पेज नंबर 21 रीड करोगे. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न टू राइट द नंबर्स अप टू 100 इन फिगर्स. आपने फिगर्स में 1 से लेकर 100 तक नंबर रीड किए, काउंटिंग नंबर लिख दी. वर्ड्स में जैसे 1 O L E 1 2 T W O 2, ठीक है भाई? तो नंबर्स में आपने रीड किए 1 to 100. अब आप इससे ऊपर चले एबव. इन दिस क्लास यू विल लर्न मोर अबाउट इट. सी द चार्ट गिवन बिलो. ये नीचे चार्ट दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख करो. सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ पीरियड, ठीक है? पीरियड फिर 1000 और फिर 1s. क्या है पीरियड? पीरियड फिर 1000 फिर 1s, ठीक है? इसमें आपने चार्ट बनाना है. फिर प्लेस नीचे है, प्लेस 10000 10000 फिर 1000, उसके बाद है 100 फिर 10s और फिर 1s, ठीक है? यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ 100, यहाँ 1000 और यहाँ 10000. ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसमें यहाँ 1 यूनिट, उसके बाद 10s, 10 फिर 100 फिर 1000 और फिर 10000. ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. द एबव चार्ट शोज द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर. ये चार्ट क्या शो करता है? कि प्लेस वैल्यू नंबर्स की. दिस मेथड इज नोन एज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बिकॉज इट इज यूज इन इंडिया. इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्यों बोलते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया में यूज होता है. ये नंबर 1000 10000 100 10, ये कहाँ यूज होते हैं? इंडिया में. When we write the numbers in words, it is called number. जब हम numbers को words में लिखते हैं, जब हम numbers को words में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? Number name. जब हम numbers को words में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? Number name. ठीक है, वो कैसे? देखो, जैसे 1 है 1, ठीक है? ये क्या है? न्यूमर. 1 क्या है? न्यूमर. 1 क्या है? न्यूमर. अगर आप इसे वर्ड्स में लिखोगे, वर्ड्स में O N E 1, ठीक है? तो ये क्या है? नंबर नेम. अगर आप इसे वर्ड्स में लिखोगे तो ये क्या है? नंबर नेम. इसे क्या कहते हैं? नंबर नेम. नंबर नेम. जब आप वर्ड्स को नंबर में लिखोगे उसे क्या कहेंगे? मतलब उसमें वर्ड्स में लिखोगे तो उसे क्या कहेंगे? नंबर नेम. तो यही आपने इस एक्सरसाइज में करना है. एक तो आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. हम इसे इंडियन प्लेस वैल्यू क्यों कहते हैं? इंडियन क्यों कहते हैं? इंडिया में यूज होता है, ठीक है? 1000 10000 100 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh, ठीक है? करोड़, ये सब इंडिया में यूज होता है, इसलिए इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं. और एक हमारे पास चार्ट है इंटरनेशनल
हिडन प्लेस है तो चार्ट करेंगे। इसमें है सीधा कॉलम चार्ट किया था, पेज नंबर 21 ही चल रहा है। पेज नंबर 21 में सीधा कॉलम चार्ट किया था। इसमें है देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। आगे टेन थाउजेंड, ये है फर्स्ट। देखो हमारे इकट्ठा बोलेंगे 265
4045 इसे लिखोगे आप नंबर में। उसके बाद है 6 फिर 2 फिर 6 0 7। अब ये है 1s 10s 100 1000 10000 10000 तो इसमें आप 16 ये इकट्ठा 10000 और 1000 इकट्ठा 62000 नंबर नेम में कैसे लिखोगे 62000 62000 607 600 62000 600 607 क्या
आपने बुक में कंप्लीट करना है। फर्स्ट सम को कंप्लीट द फॉलोइंग चार, इसे आपने बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है three